ओए बो 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 हेलो दोस्तों, वेलकम टू मालदीव लाइव बाय जाकिर खान। और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यार सॉरी, बहुत दिनों के बाद व्लॉग डाल रहा हूँ। आज अबराम भाई और मैं, हम दोनों जो है घूमने जा रहे हैं। और आज फ्राइडे है। और एक चीज़ और है यार कि मैं अभी डेली व्लॉग नहीं डालूँगा, मैं फ्राइडे टू फ्राइडे व्लॉग डालूँगा। और अभी जो इतना टाइम लग गया मुझे व्लॉग डालने में, उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरा स्टॉक काउंट चालू है। जो हम लोग का साल का स्टॉक काउंट रहता है वो अभी स्टार्ट हो रखा है। और ये देखो आपके अब राम भाई गंजे हो चुके हैं, इसके मैंने बाल कटवा दिए है। इसको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा अपने हेयर स्टाइल के साथ। और मैं आज इसको ये एक पार्क में लेके आया हूँ यार, कि बहुत दिन हो गए इसको कहीं पर साथ में नहीं लेके आया था। और आज अब्राहम के साथ यार मैं आया हूँ, मौसम भी अच्छा है। शिवानी शी इज़ नॉट वेल, उसकी तबीयत ख़राब है, तो आज दोनों बाप बेटे घूमने के लिए आए हैं स्पेशली। और हम दोनों ने आज सेम ड्रेस पहनी है। गो गो स्ट्रीट। मुझे 3-4 दिन से सब्सक्राइबर्स के मैसेज आ रहे थे पर्सनली, जिनको मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा था कि भाई इतने दिन हो गए कोई आपका वो नहीं आ रहा है व्लॉग वगैरह। तो सॉरी यार, व्लॉग मैं अभी डेली डालूंगा नहीं, क्योंकि मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह जो हैं वो चल रहे हैं। और मेरा जो कंपनी का हमारा हर साल का एक स्टॉक काउंट होता है, तो उसकी वजह से मैं व्लॉग्स वगैरह वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रहा हूँ। ड्यूटी टाइम जो है वो मॉर्निंग 9 to 9 हो चुका है इस टाइम पर, और टाइम बिल्कुल भी नहीं है यार। सिर्फ फैमिली के लिए ही जो टाइम निकल पा रहा है वो बस यही है कि भाई ऑफिस जाओ, ऑफिस से घर पर आओ, खाना खाओ और सो जाओ अबू। और सबसे ज़्यादा मुझे पता क्या किस चीज़ का बुरा लगा है, वो ये था कि कल अब्राहम के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी यार, मैं वो तक अटेंड नहीं कर पाया हूँ यार। एक फर्स्ट टाइम मेरे को लाइफ में कितना अजीब सा लगा है कि यार इतना पैसा कमाने के बाद भी, मतलब इतनी अच्छी पोजीशन और सब भी, बेटे के स्कूल में मतलब मैं इसके पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जा पाया हूँ। सीन पता क्या होता है कि यार लाइफ में अगर मैं कंप्रोमाइज़ करूँ, अगर आप अपने वर्क से कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, अपने फैमिली से कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, तो यार कहीं ना कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा। और यार मैं काम में कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो उस काम की वजह से मेरी फैमिली और जो पैसा वगैरह है वो आ रहा है और सब कुछ हो रहा है। आज सही में इसको यार बहुत टाइम के बाद मैं अब्राहम के लिए टाइम निकाल रहा हूँ। शिवानी हमेशा मेरे को बोलती है कि जाकिर तुम टाइम नहीं निकाल पाते, टाइम नहीं निकाल पाते। यार अपनी गवर्नमेंट जॉब नहीं है भाई, सबसे पहली चीज़ ये कि जैसे इंडिया में रहता है ना, अगर काश वैसा वाला जॉब रहता तो अच्छे रहते। और इसको गंजा करा दिया, मतलब गंजा नहीं कराया, इसके सिर पे 2 नंबर वाला मशीन फहराया गया है, क्योंकि यार इसके स्कूल के अंदर है ना वो बड़े बाल के लिए मना कर रहे थे सारे के सारे, इसके टीचर भी स्पेशली। और जो इसकी प्रिंसिपल है वो हमारे घर के सामने रहती है, तो उन्होंने बोला कि इसके बाल जो है वो छोटे कराओ। अब कहीं उधर भी जाओगे या ऐसे घूमते रहोगे? हाँ जाओ जाओ, बट डोंट टच एनीथिंग। ओके बेटा, हाँ ओके। और यार अब्राहम के साथ बाहर आने में मेरे को बड़ा बहुत अच्छा लगता है भाई, लेकिन कल सीरियसली मैं बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ। हर्ट भी क्या यार भाई, काम पहले है मेरे लिए, काम पहले, काम है तो फैमिली चल रही है। और मैं ये अभी सब लोग को बोल रहा हूँ कि आप लोग का अगर जो भी बिजनेस है या आप जॉब कर रहे हो, तो जो फर्स्ट चीज़ है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने काम को दीजिए, क्योंकि काम है तो भाई पैसा है,
और आप अपनी फैमिली संभाल सकते हो, ये नहीं कि आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हो अपने काम में और फैमिली को करके, ऐसा कुछ नहीं है भाई। पैसा है तो जहाँ है। अबू जी और इधर बैठोगे, जाओ ऊपर बैठो। बैठ जाओ ऊपर बैठो। मम्मा देख के आएंगे, ठीक है। तो भाई अभी हम इस पार्क से जा रहे हैं आर्टिफिशियल बीच। बेटा अभी वो मम्मा देखने जाएंगे, बहुत सारा वाला मम्मा, ठीक है। लो बम्बम लो, लेट्स टेक टेक टेक, ये लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो होम। नॉट नॉट हियर नॉट हियर, लेट्स गो। बेटा बम्बम की गाय है, जल्दी आओ। नो अंकल मारेंगे उधर, ये अंकल का है। लेट्स गो बम्बम। अभी हम लोग जा रहे हैं आर्टिफिशियल बीच पे, अंकल मारेंगे बेटा जल्दी आ। ओ भैया उधर नहीं, मम्मम अब रहा, मम्मम देखेंगे, बहुत सारा पानी है उधर, जल्दी आओ जल्दी जल्दी। हाँ अभी रुको इधर ही स्टे है स्टे, लेट्स गो। ये हमारे पीछे जो है ये यहाँ का आर्मी का हॉस्पिटल है, और भाई मैं सही में इसको बाहर लेके तो आ जाऊं, लेकिन बाहर ले जाने के बाद इसको घर पर ले जाना बड़ा मुश्किल है यार। अभी चल रहे ना भाई, इसको एक ही दिन के अंदर है ना सारी एक्टिविटीज करनी है, ए टू जेड सब कुछ। अभी इसको मम्मम देखना है, इसने पार्क देख लिया, अभी मम्मम देखने के बाद ये फिश देखेगा, फिश देखने के बाद भाई इसको जाना है स्विमिंग के लिए। और स्विमिंग में भी पता क्या करता है ये, पहले हम लोग को भेजेगा, मतलब अपने मम्मी पापा को भेजेगा, बाद में ये आएगा स्विमिंग के लिए। वेट 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 वेट, अभी भाई हम आए हैं दूसरे पार्क में अबराम भाई को लेके। आज इसको सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं पूरे एक महीने की करा दूंगा, जो भैया इसकी माँ मेरे को बोले ना कि इसको यहाँ लेके जाओ वहाँ लेके जाओ। कहाँ है इसकी माँ का भी नहीं पता चल रहा यार, कितने दिनों में। बस लेट्स गो होम नो, यू डोंट वांट टू गो होम। वेट मम्मा इज कमिंग। क्या क्या चाहिए है? लो जी आ गई है अब्राहम की मम्मी, ये रही। एक घंटा हो गया। ओ ये बो 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 बो, देखो ऐसा ये वाली हरकत करता है यार ये।